मॉर्निंग चिल्ड्रन, आज एक्सरसाइज 7.6 पढ़ेंगे, ठीक है। कल हमने एक्सरसाइज क्या पढ़ी थी, 7.5 पढ़ी थी। ये आज हम एक्सरसाइज 7.5 में आपको क्या करना है, एट द फ्रैक्शंस, आपको फ्रैक्शन करना है, यानी आपको इनमें से इनका डेनोमिनेटर तो वही रहेगा और आपको न्यूमिनेटर अलग अलग है जिसको आपको जोड़ना है, ये ठीक है। जैसे 3 और 3 कितने होते हैं, 3 + 3 = 6, और इनका डेनोमिनेटर जो तो वही रहेगा और न्यूमिनेटर को ऊपर से जोड़ना है आपको। अब यहाँ पे भी क्या है, 6 और 6, तो ये 6 है। 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 5 = 6 = 7। इस तरह से 9 9 9 9, इनका डेनोमिनेटर 9 है, तो डेनोमिनेटर तो 9 का 9 ही रहेगा, और न्यूमिनेटर क्या है, 4 2 3। अब इन तीनों को ऐड करना है एक साथ में, 4 5 6 7 8 9 6 7 8 9 और 8। इसमें अगर आपको पूछ लिया जाए कि डेनोमिनेटर क्या है और न्यूमिनेटर क्या है, तो जो नीचे वाली संख्या होती है वह डेनोमिनेटर और जो ऊपर वाली संख्या होती है वह न्यूमिनेटर, ठीक है। अब ये सबब्रेक द फ्रैक्शन, अभी हमने इनको ऐड किया था, अब इन्हें सबब्रेक करना है। डेनोमिनेटर जो है वो तो वही करेगा और न्यूमिनेटर आपको सबब्रेक करना, तो 4 में से 2 गए तो कितना बचेगा, 2, तो क्या आ जाएगा, 2 बटा 6। अब है ये 10 का 10, 7 में से 5 गया तो क्या आएगा, 2। इस तरह से 6 में से 3 गए तो 3, और 7 में से 7 7 का 7 ही रहेगा डेनोमिनेटर तो। अब है सॉल्व द सम, अब आपको ऐड भी दे रखा और सब्ट्रैक्ट भी दे रखा है, इन दोनों को आपको सॉल्व करना है, इन चारों को आप कैसे करोगे, ये देखो 4 और 8 को पहले आपको छोड़ना पड़ेगा। जब 4 इनका जो डेनोमिनेटर है वो तो वही रहेगा, 8 का 8, इसमें 10 का 10, इसमें 6 का 6, और इसमें 7 का 7। अब आपको इसको देखो कैसे सॉल्व करोगे, जैसे 4 है तो 4 + 3 कितने हो जाएंगे, 5 6 7, ये 7, ठीक है। अब आपको 7 में 5 माइनस करना है तो कितने हो जाएंगे, 2। 7 में से जब 5 माइनस हो जाता है तो कितने आते हैं, 2। इसी तरह से ये कितने हैं, 7 + 3, तो पहले तो आपको इन दोनों को करना है, पहले तो इन दोनों को करना है, यानी 7 + 3 कितने हो जाएंगे, ये 7 + 3 फ्रैक्शन 10, ठीक है। तो 7 + 3 हो जाएगा 10 बटावा 10, तो 8 9 10। अब इनको क्या करना है, -10 लिखा है तो अब इनको आपको सॉल्व करना है, यानी 10 में से -5 किया तो 5, और इनका जो डेनोमिनेटर है वो वही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, 5 बटावा 10, यही आएगा। अब ये आप ये सोच रहे होंगे कि ये का ये लिख दिया, नहीं हमने ये नहीं लिखा, पहले इन दोनों को सॉल्व किया, 7 में 3 को प्लस किया तो कितने हो गए, 10 बटावा 10 हुए, फिर हमने 10 में से 5 को माइनस किया, ये तो क्या हो गया, 10 में से जब हम माइनस करेंगे तो 5 पे आएंगे, और जिसका डेनोमिनेटर है वो 10 का 10 ही रहेगा। इसी तरह से 8 + 2 कितने होते हैं, 9 और 10 कितने होते हैं, 8 और 2 = 10, और इनका डेनोमिनेटर है जो वो न्यूमिनेटर से हम इस सवाल को सॉल्व कर रहे हैं इन सब में। फिर अब 10 में से 3 को माइनस करना है, ये 7 जो है, ये 10 - 7 - 3 / 7, तो 10 में से 3 गए तो कितने बच जाएंगे, 7 और 7 यानी 7 8 9 10, ये 7, इसमें से इसको माइनस करना है, लेकिन इन दोनों को जोड़ने पर जो संख्या आती है, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आया, 10, फिर 10 में से 3 माइनस करना है और फिर यहाँ पे लिखना है। अब 5 3 को क्या करेंगे, हम छोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 6 7 8, 8 / 6 हो जाएगा। अब 8 / 6 में से 8 - 2 करना है तो कितने हो जाएंगे, 8 में से 2 गए तो 8 और 7 यानी कितने बचे, 6 6 / 6। तो ये आपकी एक्सरसाइज सॉल्व हो गई, इसमें से जो कुछ बच रहे हैं खाली एक सवाल ही बच रहा है, जैसे 5 में से 3 गया तो 2, और इसका जो डेनोमिनेटर है वो 3। तो ये मैंने पूरा ही सोल्व करके आपको बता दिया, आपको अपनी अपनी नोटबुक में करके होमवर्क, और मुझे अपने अपने ग्रुप में सेंड करना, ओके।